the grand strategy matrix. मैचिंग स्टेज ऑफ स्ट्रेटजीज में से ये एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट बिजनेस डिविजन्स के लिए डिवेलप किया जाता है. इसको हम मास्टर बिजनेस स्ट्रेटजीज भी कहते हैं. लेट्स नो अबाउट द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के किस तरह से डिवेलप किया जाता है और इसके अंदर कौन सी चीज़ें या कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. जिस तरह से पहले हमने पढ़ा कि हम कोई भी बिजनेस डिवीजन है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, स्पेस मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स और आईई मैट्रिक्स. उसके बाद ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स डेवलप किया जाता है और इन सभी का पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजिक एंड कंपेटिटिव पोजिशन या फाइनेंशियल पोजिशन को एनालाइज किया जा सके ताकि हर एक बिजनेस डिवीजन ऑफ द सेम कंपनी के लिए कुछ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके. तो जब तक किसी भी बिजनेस डिवीजन की स्ट्रेटजिक, फाइनेंशियल या उसकी कंपेटिटिव पोजीशन नहीं पता चलेगी तब तक इट विल बी नॉट अप्रोप्रिएट टू इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटजी. तो बेटर इज़ टू फाइंड आउट the strategic position, competitive position and the financial position of the business unit so that pata chal sake ke kya business ki growth and development ke liye strategies kisi ek business ke liye zyada appropriate hongi ya uske liye defensive strategies chahiye hongi ya uske liye humne diversify karna hai us business unit ko और या फिर उस पर लिक्विडेट या डाइवेस्टिचर जैसे टफ डिसीजंस लेना पड़ेंगे. तो बेसिकली ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स फोर स्ट्रेटजी क्वाड्रेंट्स की बेस पे बनता है. जिस तरह से हम बीसीजी मैट्रिक्स में कंपनी की डिफरेंट डिविजन्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्लेस करते थे बेस्ड ऑन देयर कंपेटिटिव पोजिशन एंड मार्केट ग्रोथ रेट, तो हम देखते थे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाए करते हैं. अगर वो स्टार है तो उसके लिए अलग सेट ऑफ स्ट्रेटजीज था जो कि अप्रोप्रिएट था. इसी तरह से इफ़ द डिवीजन लाइज इन द डॉग क्वाड्रेंट तो उसके लिए सेट ऑफ स्ट्रेटजीज वाज डिफरेंट. इसी तरह से ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स में हम एक कॉरपोरेट की डिफरेंट डिवीजन्स को पोजिशन करते हैं कि वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाए करते हैं या उनकी बेस्ड ऑन कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट और इंडस्ट्री ग्रोथ वो कहाँ पे लाई कर रही है और उसके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती हैं. तो वी कैन से ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स इज डिवेलप्ड बेस्ड ऑन टू इवेल्यूएटिव डायमेंशंस. अब ये जो टू इवेल्यूएटिव डायमेंशंस हैं ये रिकग्नाइज करेंगी कि विच इज़ द क्वाड्रेंट वेयर अ पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ दैट कॉरपोरेट लाइज, फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली देखी जाती हैं. तो वो इवेल्यूएटिव डायमेंशंस कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज कंपेटिटिव पोजिशन एंड द सेकेंड वन इज मार्केट और इंडस्ट्री ग्रोथ. लेट्स नो अबाउट both are the evaluative dimensions for grand strategy matrix. किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एनुअल ग्रोथ इन सेल्स अगर तो 5% से इंक्रीज करता है तो हम कहेंगे कि उस इंडस्ट्री या उस मार्केट की ग्रोथ रैपिड है. लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सेल्स का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 5% से बिलो है तो हम कहेंगे कि वो एक स्लो ग्रोथ मार्केट है या स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री है. इसी तरह से द सेकंड इवैल्यूएटिव डायमेंशन इन ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स इज द कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द कंपनी. अब चूंकि इसमें हम कॉरपोरेट को स्टडी कर रहे होते हैं, इसमें हम एक जो हमारी वेल एस्टैब्लिश्ड एक कंपनी है जिसकी मल्टीपल डिविजन्स हैं, जिसकी मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में वो सर्व कर रही है, हम उसके डिफरेंट डिविजन्स या डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज की प्लेसमेंट देख रहे होते हैं.
तो इसके लिए कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ कंपनी ओवरऑल हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर मेंशनड डिवीजन ऑफ द कंपनी। दैट मींस अगर डिवीजन ए है तो उसकी कंपेटिटिव पोजीशन क्या है, इसी तरह से डिवीजन बी की कंपेटिटिव पोजीशन अलग से जो है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यूजुअली व्हेन एवर वी वांट टू एनालाइज द कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी और अ डिवीजन ऑफ अ कंपनी, तो उसके लिए हमें जो कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम कंपेटिटिव पोजीशन के इंडिकेटर्स कह सकते हैं, उन पे रिलाई करना पड़ता है। कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब ये है कि आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर कंपेटिटर उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री में क्या है। तो उसके लिए इफ यू वांट टू चेक के आपकी कंपनी की एक पर्टिकुलर डिवीजन की कंपेटिटिव पोजीशन कंपेटिटर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसके लिए आप कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आपकी डिवीजन जिसकी कंपेटिटिव पोजीशन यू आर गोइंग टू टेस्ट वो कितनी कॉस्ट यूज़ करते हुए या उसकी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉस्ट है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, या किसी एक फंक्शनल डिपार्टमेंट की अगर बात करें, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी पड़ रही है आपको, इसी तरह से उसको कंपेयर करेंगे आप अपने कंपेटिटर के साथ कि उनकी सिमिलर जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं उनमें उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, एक टेबल मैंने ऐड किया है कि आपकी कंपनी की अगर कॉस्ट है $5 और कंपेटिटर की कॉस्ट है $3, तो बज़ाहिर ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि कॉस्ट जो है कंपेटिटर की वो कम है, आप ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी वीकर कंपेटिटिव पोजीशन है और आपके कंपेटिटर की उस डिवीजन की कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्गर है। लेकिन हम इसके साथ प्रॉफिट को भी चेक करेंगे, उसको भी एनालाइज करेंगे कि अगर आपकी सपोज कॉस्ट $5 है लेकिन आपके प्रॉफिट्स $3 अर्न कर रहे हैं आप, लेकिन कंपेटिटर $3 इन्वेस्ट करके या उसकी जो कॉस्ट है वो $3 है और उस पर वो प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है दैट इज $1, तो वो आपसे कम प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में है। दैट मीन्स आपकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर्स यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उस तरह से भी आपकी स्ट्रॉन्गर कंपेटिटिव पोजीशन होगी। तो आपने कॉस्ट वाइज देखना है कि आपके कंपेटिटर के मुकाबले में एक पर्टिकुलर डिवीजन में आपकी कंपेटिटिव पोजीशन कैसी है। अगर आप कम कॉस्टली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर बेटर देन योर कंपेटिटर, आपके एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट ओवरऑल कम पड़ रही है। इसी तरह से द अदर इंडिकेटर फॉर कंपेटिटिव पोजीशन कैन बी द सुपीरियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन। अगर एक प्रोडक्ट लाइन है उसमें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या फीचर्स या कोई भी एट्रीब्यूट उसका आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट से बेटर है, दैट मीन्स नाउ अगेन यू आर बीइंग सुपीरियर इन द फॉर्म ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ योर प्रोडक्ट, तो अगेन यू आर इन अ स्ट्रोंगर कंपेटिटिव पोजिशन। इसी तरह से देयर कैन बी अनदर इंडिकेटर टू चेक द कंपेटिटिव पोजिशन ऑफ योर डिवीजन, दैट इज टारगेट मार्केट। को कितने सेगमेंट्स हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं और कितने सेगमेंट्स हैं जिनको आपके कंपेटिटर्स टारगेट कर रहे हैं। अगर तो आप अपने कंपेटिटर के मुकाबले में ज़्यादा सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं दैट मीन्स आपकी वैरायटी ऑफ टारगेटेड सेगमेंट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स सर्व बाय योर कंपेटिटर, तो आप फिर स्ट्रॉन्गर कंपेटिटिव पोजिशन में। लेकिन अगर आपके वो सोशल क्लास की बेस पे कह लें सेगमेंट्स ज़्यादा हैं या जियोग्राफिकली डिस्पर्स लोकेशंस पे डिफरेंट एरियाज में आप अगर सर्व कर रहे हैं तो फिर आप स्ट्रेटेजिक आपकी जो कंपेटिटिव पोजीशन है
वो स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन अगर आप कम सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और आपके कंपेटिटर ज़्यादा सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर आपकी कंपेटिटिव पोजीशन जो है वो अपने कंपेटिटर के मुकाबले में वीक हो जाएगी। तो दीज आर बोथ ऑफ द इवेल्युएटिव इंडिकेटर्स वी यूजुअली यूज टू डेवलप अ ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। अब इसको डेवलप करने का या प्लॉट करने का एक प्रोसीजर है। ये इसी तरह से एक्स एक्सेस पे वी ऑलवेज हैव टू कीप दी कंपेटिटिव पोजिशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये वीक कंपेटिटिव पोजिशन आएगी, राइट साइड पे ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजिशन आएगी। अब आप वेल अवेयर हैं अबाउट दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंपेटिटिव पोजिशन। अगर कॉस्ट या नंबर ऑफ सेगमेंट्स या सुपीरियर करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट या इसी तरह के कोई भी फैक्टर्स हैं उनमें यू आर बेटर देन योर कंपेटिटर्स, देन यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कंपेटिटिव पोजिशन, अदरवाइज आपकी वीक कंपेटिटिव पोजिशन होगी। इसके बाद वाई एक्सिस पे हम मार्केट ग्रोथ को रखते हैं और टॉप पे देखें अगर तो ये रैपिड मार्केट ग्रोथ है। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी एक मार्केट या किसी एक इंडस्ट्री में जो एनुअल ग्रोथ इन सेल्स है वो मोर देन 5% होगा तो रैपिड मार्केट ग्रोथ कंसिडर किया जाएगा। बट इफ़ दी ग्रोथ रेट इन सेल्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट इज लेस देन 5%, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्लो मार्केट ग्रोथ। और इसी तरह से यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 नज़र आ रहे होंगे। इफ़ दी कंपनी इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजिशन बट उसका मार्केट ग्रोथ जो है वो रैपिड है, तो क्वाड्रेंट 1 के अंदर वो डिविजन्स या वो कंपनी लाई करती है। इसी तरह से अगर उसका मार्केट ग्रोथ रैपिड हो लेकिन कंपेटिटिव पोजीशन वीक हो तो क्वाड्रेंट 2 में कंपनी की डिविजन्स लाई करेगी। इसी तरह अगर कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द कंपनी और दी डिविजन ऑफ द कंपनी इज वीक और जो मार्केट ग्रोथ है वो भी स्लो है तो कंपनी की डिविजन विल लाई इन क्वाड्रेंट 3। इसी तरह से मार्केट ग्रो अगर तो स्लो है और कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो दैट विल लाई इन द क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ टू प्लॉट अ ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी एक डिवीजन को किसी भी एक क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस कर देंगे या उसके लिए वी हैव टू डिपेंड अपॉन सम वैल्यूज। तो यस वी रिक्वायर सम वैल्यूज टू प्लॉट अ ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं जिनमें फर्स्ट कॉलम कंटेन्स बिजनेस डिविजन्स, सेकेंड कॉलम कंटेन्स कंपेटिटिव पोजिशन, थर्ड इंक्लूड्स द मार्केट ग्रोथ एंड इन फोर्थ कॉलम वी आर हैविंग सेल्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो बिजनेस डिवीजन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हमारे पास डिफरेंट 10 बिजनेस डिवीजन्स हैं ऑफ अ कॉरपोरेट। एक जो मेजर कंपनी है उसकी 10 डिफरेंट डिवीजन्स हैं, दैट मीन्स वो 10 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इनमें से डिवीजन ए का कंपेटिटिव पोजीशन या डिवीजन ए की कंपेटिटिव पोजीशन यहाँ पे उसके सामने लिखी है और डिवीजन ए का मार्केट ग्रोथ उसके सामने लिखा है, डिवीजन ए की सेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। ये हम जो है वो थाउजेंड्स या उसमें नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम उस तरह से सेल्स को इंक्लूड करेंगे तो ग्राफ जब हम डेवलप करेंगे उसको हैंडल करना उसको मैनेज करना जो है वो ऑलमोस्ट नियर टू इन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से राइट डाउन करेंगे। अब जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि कंपेटिटिव पोजीशन जो है कंपनी की वो 1, 2, 4 के दरमियान लाई करनी चाहिए, वो 1, 2, 3, 4 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मार्केट ग्रोथ डिपेंड करता है कि कंपनी का मार्केट ग्रोथ क्या है, वो लेस देन 1% भी हो सकता है और वो 25-30% डिपेंड्स के एक मार्केट के अंदर जो एनुअल ग्रोथ है सेल्स के अंदर वो कितने परसेंट आ रहा है।
तो ये वेरी कर सकता है। अब हम देखते हैं एक्सेल में जाते हैं, वहाँ पे सेम टेबल को मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो वहाँ से हम देखेंगे कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को किस तरह से डिवेलप किया जाता है। जी, एक्सेल में आप देख सकते हैं सेम टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी वैल्यूज को राइट डाउन किया हुआ है, सेम टेबल को मैंने इंसर्ट किया हुआ है। बिजनेस डिवीजन्स हैं, डिफरेंट 10 डिवीजन्स, उनमें से हर एक बिजनेस डिवीजन की कंपेटिटिव पोजीशन मैंने लिखी है। देन एक कॉलम में मार्केट ग्रोथ हर एक डिवीजन की अलग अलग उनके सामने लिखी है। इसी तरह से सेल्स के सामने, हर डिवीजन के सामने उसी रो में उसकी सेल्स लिखी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है इसमें डिवीजन ए के कंपेटिटिव पोजीशन, मार्केट ग्रोथ और सेल्स हैं। ये जी डिवीजन है तो इसका कंपेटिटिव, इसकी कंपेटिटिव पोजीशन, इसका मार्केट ग्रोथ एंड सेल्स यहाँ पे हमने ऐड कर दी। अब ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये कि आपने यहाँ पे साइड पे एक ब्लैंक सेल के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद वी विल गो टू इंसर्ट, फिर इन अदर चार्ट्स, और यहाँ पे ये आपको बबल नज़र आ रहा है। इसमें 3D इफेक्ट के साथ भी है और सिंपल बबल चार्ट भी है, तो आई वुड लाइक टू ऐड सिंपल बबल चार्ट। अब ये एक ब्लैंक एरिया आ गया, इसको ड्रैग करके आपने साइड पे कर लेना है, ताकि जब हम वैल्यूज को पुट कर रहे हों तो अगर ये इस तरह से होगा तो हम वैल्यूज को देख नहीं सकेंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे। अब इस ब्लैंक एरिया के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, जब आप इस ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे तो वी हैव डेटा सेलेक्ट डेटा ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे, इसको फिर हम ड्रैग करेंगे, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हम रो वाइज इसमें वैल्यूज को इंक्लूड कर सकें। फिर हम ये जो लेजेंड एंट्रीज सीरीज हैं इसमें, इसके नीचे आपको ऐड का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, ऐड पे हम क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब ये हमारे पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सीरीज नेम में हमने यहाँ पे क्लिक करके एम्प्टी सेल में ये जो बिजनेस डिवीजन फर्स्ट है इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने देखा शिफ्ट हो गया। फिर हम एक्स सीरीज, सीरीज एक्स वैल्यू के ब्लैंक सेल पे क्लिक करेंगे और इसमें कंपेटिटिव पोजिशन ऑफ ए डिवीजन 3, इस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर सीरीज वाई वैल्यूज जो ऑलरेडी रिटन है इनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और मार्केट ग्रोथ ऑफ ए डिवीजन इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। फिर सीरीज बबल साइज, इसके अंदर जो ऑलरेडी एंटर्ड वैल्यू है उसको डिलीट करके हम सेल्स ऑफ ए डिवीजन पे डबल क्लिक कर देंगे और ओके। अब यहाँ पे आपने देखा ये ए, ये शो कर रहा है ग्राफ के ब्लू बबल जो है दैट इज शोइंग डिवीजन ए, ठीक है। अब वी नीड टू ऐड ऑल अदर डिवीजन्स, तो उसके लिए फिर ऐड पे जाएंगे, फिर सीरीज नेम हमें अब बी चाहिए, बी पे क्लिक करेंगे, फिर सीरीज एक्स वैल्यू है हम कंपेटिटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे, इसी तरह से सीरीज वाई है तो बी की मार्केट ग्रोथ पे हम क्लिक करेंगे, सीरीज बबल साइज है तो बी की सेल्स पे क्लिक करेंगे, देन ओके। उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे और इसी तरह से हम सी की वैल्यू को पुट करेंगे, और सीरीज एक्स वैल्यू में हम सी की कंपेटिटिव पोजीशन, वाई वैल्यूज में हम सी की मार्केट ग्रोथ, और सीरीज बबल साइज में हम सी के सेल्स को ऐड करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 3 डिवीजन्स का डाटा हमने एंटर किया और 3 डिवीजन्स के बबल्स यहाँ पे जनरेट हो गए। अब हम इसी तरह से डी डिवीजन को लेते हैं जी, सीरीज नेम, सीरीज एक्स वैल्यू डी की कंपेटिटिव पोजीशन, सीरीज वाई वैल्यू डी की मार्केट ग्रोथ, एंड सीरीज बबल साइज डी का सेल्स,
देन ऐड, अब हम इसी तरह से बाकी करेंगे, ई की कंपेटिटिव पोजीशन, फिर वाई वैल्यूज में ई की सेल्स ग्रोथ, और बबल साइज में ई के सेल्स को हमने इंक्लूड कर दिया। फिर ओके पे क्लिक करने के बाद अगेन अब हमें एफ की वैल्यूज पुट करनी है, तो ऐड पे जाके एफ पे हमने क्लिक किया, सीरीज नेम में उसको इंक्लूड करेंगे, और एक्स वैल्यूज में हम इसी का जो हमारी एफ डिवीजन है उसकी कंपेटिटिव पोजीशन, फिर एफ डिवीजन की मार्केट ग्रोथ को हम वाई वैल्यू में करेंगे, और एफ सीरीज की सेल्स को हम बबल साइज, देन ओके। इसी तरह से ऐड पे क्लिक करके एफ के बाद अब वी नीड टू इंक्लूड द डाटा ऑफ जी, अकॉर्डिंगली हम वन बाय वन सेम वैल्यूज जो हैं उनको ऐड करते चले जाएंगे। अब जी की सेल्स 4, डन, जी हो गया। अब हम एज की वैल्यूज को ऐड करेंगे, और एक्स में इसकी कंपेटिटिव पोजीशन, देन इट्स ग्रोथ रेट एंड द सेल्स ऑफ एच कैटेगरी, डन। फिर ऐड पे क्लिक करके जो हमारे पास आई कैटेगरी है, आई डिवीजन, उसकी वैल्यूज को सेम मेथड के थ्रू ऐड करके वन बाय वन इसकी कंपेटिटिव पोजीशन, मार्केट ग्रोथ एंड सेल्स, ओके पे क्लिक कर दिया। देन लास्ट वन इज द जे डिवीजन, तो सीरीज नेम में जे, एक्स वैल्यू में हम इसकी जे की कंपेटिटिव पोजीशन, मार्केट ग्रोथ जो है जे की वो हम वाई वैल्यू में ऐड करेंगे, और बबल साइज में सेल्स को ऐड कर देंगे, और ओके पे क्लिक करते हुए फिर अब जो यहाँ पे ओके है इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे पास एक ग्राफ, बबल ग्राफ शो हो गया। अब ये हमारे पास अगर हम काउंट करें तो वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इस लाइट पर्पल के नीचे भी एक छोटा सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, वो 10th डिवीजन हो गया। तो वी कैन से वी हैव एडेड डेटा ऑफ डिफरेंट 10 बिजनेस डिविजन्स ऑफ अ कॉर्पोरेट, तो ये हमारे पास ग्राफ शो हो गया। अब हमने वन बाय वन हर एक बबल के ऊपर क्लिक करना है, इसमें एड डेटा लेबल, इस तरह से क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इसके सामने परसेंटेज शो होना शुरू हो गई है, एड डेटा लेबल। इसी तरह से इसका भी एड डेटा लेबल, फिर जो लाइट पर्पल है एड डेटा लेबल, अब हम ये जो छोटा वाला सर्कल है एड डेटा लेबल, डन। इसी तरह से जो हमारे पास रिमेनिंग सर्कल्स हैं उनके भी लेबल्स को, डेटा लेबल्स को हमने इसी तरह से ऐड करना है वन बाय वन, इट इज डन। अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन इन सर्कल्स पे जाके फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे क्लिक करते हुए जो हमारे पास न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस न्यू डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास फॉर्मेट डाटा लेबल में जाके सीरीज नेम को चेक करना है, वाई वैल्यू को अनचेक करना है, और लेबल पोजीशन सेंटर करते हुए हमने क्लोज कर देना। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ई आ गया। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमने परसेंटेज की बजाय डायरेक्टली इसके जो सीरीज लेबल हैं वो क्यों नहीं असाइन किए हैं, तो वो अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो वो नहीं होगा, दैट्स वाई हमें ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। अगेन वन बाय वन बबल्स पे क्लिक करते हुए फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे जाके सीरीज नेम को चेक करके वाई वैल्यू को अनचेक करते हुए सेंटर पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। इसी तरह से अगेन फॉर्मेट डाटा लेबल्स,
series name, Y value, uncheck center. Okay, then the purple one, format data labels, series name, Y value को uncheck और center को choose करते हुए, it is done. Again, the next bubble, series name, Y value uncheck, center, close. Then the next one, format data labels, series name, Y value, center, close. Then format data label, series name, check, Y value uncheck, and center, close. Format data label, series name, Y value, uncheck, center, close. अब ये हमारे पास 3% वाला एक बबल रह गया है. राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट डाटा लेबल में जाके सीरीज नेम को चेक करके वाई वैल्यू को अनचेक करते हुए सेंटर को चूज करेंगे और क्लोज. जी, तो ये हमारे पास हो गया. अब ये तो हम तो पढ़ रहे थे ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा था कि 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स थे. यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और शेप्स में जाके हमने जो लाइन है उसको चूज करना है. अब हमने क्या करना है, वाई एक्सिस पे हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे देयर इज कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द डिवीजन. तो ये 0 to 5 है, तो हमने इसकी मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो ये हो जाएगी 2.5 तकरीबन. यहाँ पे आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी. इसी तरह से आपने वाई एक्सिस में इंसर्ट शेप्स लाइन को चूज किया और वाई एक्सिस में हम जानते हैं हमारे पास मार्केट ग्रोथ आती है. अब ये 18 का हाफ हमारे पास 9 हुआ. ये देखिए, आप देख सकते हैं कि -2 भी है यहाँ पे, तो 9 में से 2 को हमने माइनस कर देना है. तो इसका मिड पॉइंट बनेगा 7, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइक करेगा. हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब हम ग्रिड्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. इस तरह से इस पे क्लिक करते हुए हम डिलीट कर देंगे. कीबोर्ड से आप डिलीट का की जो की है उसको प्रेस कर दें तो ग्रिड लाइंस यहाँ से गायब हो जाएंगी. तो अब हमने यहाँ पे डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर लिया. अब एक पॉइंट जो आता है वो ये कि हमने इनकी लेबलिंग भी करनी है. तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो 0 to 2.5 वैल्यू है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे हमारे पास कंपेटिटिव पोजीशन है. तो 0 to 2.5 वैल्यू वाली जो ये वाली साइड है इसको हम कहेंगे वीक कंपेटिटिव पोजीशन. दैट मींस इस क्वाड्रेंट में जो डिवीजंस आएंगी उनकी कंपेटिटिव पोजीशन वीक है. इसके बाद जो 2.5 ये जो मिड पॉइंट है, 2.5 से ऑनवर्ड 5 तक हमारे पास जो ये एरिया है ये वाला, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन. दैट मींस यहाँ से ये वाली जो हमारे पास बिजनेस डिवीजंस आ रही हैं इनकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्गर है. और हम जानते हैं कि कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि यू आर सुपीरियर और बेटर देन योर कंपेटिटर. वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं आपकी बिजनेस एक्टिविटीज, हो सकता है आप जो है वो ज़्यादा टारगेट मार्केट्स को, ज़्यादा सेगमेंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हों, या पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स बेटर हों. अब यहाँ पे जो हमारे पास मार्केट का ग्रोथ रेट है, इसका जो ये लोअर एरिया है 0 to 7, ये होगा, इसको हम लेबल करेंगे लो मार्केट ग्रोथ. और जो हमारे पास ये अपर है 6
7-18% हम इसको लेबल करेंगे एज स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रोथ। इट मीन्स के ये जो 7 से अबव कंपनीज आ रही हैं, ये उनकी उन डिविजन्स की सेल्स में जो एनुअल ग्रोथ है वो 5% से ज़्यादा है, और जो यहाँ से 0-7 में लाए कर रही हैं इसमें लोअर एरिया में, वो ऐसी डिविजन्स हैं जिनका मार्केट ग्रोथ रेट 5% से बिलो है। तो इट्स डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ई डिवीजन की कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्गर है, लेकिन और उसका मार्केट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से डी और एफ डिवीजन्स हैं हमारे पास जो कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, उनकी मार्केट ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंपेटिटिव पोजिशन ऑफ बोथ डिवीजन्स इज वीकर। इसी तरह से एच जे और जी और बी, ये 4 डिविजन्स जो हैं एक ही कंपनी की, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। दैट मींस इनकी कंपेटिटिव पोजीशन वीक है और मार्केट ग्रोथ भी इनका लो है। जैसे बीसीजी में हम डॉग वाली कैटेगरीज में देखते थे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट लाई कर रही होती है, तो ये वो उस टाइप की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही हैं तो वो स्टार लाइक प्रोडक्ट्स हैं। अब जो हमारे पास ए आई एंड सी बिजनेस डिविजन्स हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, तो हम देख सकते हैं इनकी कंपेटिटिव पोजीशन इज स्ट्रॉन्गर बट द मार्केट ग्रोथ इज लो। तो ये तो हो गया प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस डिविजन। नाउ इट्स टाइम टू चेक के इनमें से हर एक डिविजन के लिए अप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती हैं जो कि फ्यूचर में इस कॉर्पोरेट को डिफरेंट डिविजन्स के लिए डेवलप करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको साथ में मेंशन कर दिया है, ये वाली जो 0-2.5 तक हैं, इस वाली साइट पे जो कंपनीज या बिजनेस डिविजन्स आएंगी उनकी कंपेटिटिव पोजीशन इज वीकर, लेकिन जो 2.5 एंड अबव आ रही होंगी उनकी कंपेटिटिव पोजीशन इज स्ट्रॉन्गर। इसी तरह से जो यहाँ पे 7% तक कंपनी की डिविजन्स आ रही होंगी उनका मार्केट ग्रोथ लोअर है और इससे अबव वाली का मार्केट ग्रोथ रैपिड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन की बेस पे हमारे पास डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स बन गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे देखें आप मेंशन कर दिया, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। और इसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन या इंटरप्रिटेशन हमने ऑलरेडी अभी एक्सेल शीट में ही अंडरस्टैंड की थी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज माइट बी इफेक्टिव फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेंट इन ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। अब इसमें क्वाड्रेंट 1 है अगर, जिसमें हमारे पास ई डिवीजन लाई कर रही है, तो ई डिवीजन के लिए कंपनी कैन अब क्वाड्रेंट 1 में ई बिजनेस डिवीजन लाई कर रही है, तो वी कैन से क्वाड्रेंट 1 के लिए जो सेट ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज ये कंपनी ये कॉर्पोरेट डेवलप कर सकती है वो है मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब हम इनको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट डेवलपमेंट कैसे कर सकती है। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है ई डिवीजन की और मार्केट ग्रोथ रेट जो है एनुअली वो 5% से ज़्यादा है। इस केस में ये एक स्टार लाइक प्रोडक्ट है जो के बिजनेस जो के कंपेटिटिव पोजीशन वाइज भी स्ट्रॉन्ग है और इसमें सेल्स ज़्यादा होंगी, मार्केट की ग्रोथ जो है वो भी रैपिड है। दैट मीन्स ज़्यादा कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर सकती है, ज़्यादा बायर्स ये बना सकती है, ज़्यादा मार्केट शेयर को ये कैप्चर कर सकती है। तो
तो उसके लिए या तो ये क्या करे, अपनी जो करंट मार्केट पेनिट्रेशन की हम पहले बात कर लेते हैं कि अपनी सेम प्रोडक्ट जो करंटली ये ऑफर कर रही है मार्केट में, और सेम मार्केट जो सेम सेगमेंट्स हैं जिनको ये सर्व कर रही है, ये उन्हीं पे फोकस रखे, ये इंटेंस मार्केटिंग करे या डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज करे, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए अपनी प्राइस को रिड्यूस करे, या फिर क्वालिटी को इंश्योर करे, या जिस भी तरह से ये सेगमेंट में मौजूद उन पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करे जो कि इनकी प्रोडक्ट पहले परचेज नहीं कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पैम्पर्स और मॉलफिक्स है, तो पैम्पर्स की मार्केट शेयर अगर ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि वो जो मॉलफिक्स यूजर्स हैं पैम्पर उनको अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो पोटेंशियल बायर्स होंगे पैम्पर्स के जो कि पहले पैम्पर यूज नहीं कर रहे हैं, वो मॉलफिक्स या किसी भी और कंपनी के डायपर्स को यूज कर रहे हैं, तो पैम्पर उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। ये हो जाता है मार्केट पेनिट्रेशन। या फिर ये क्या कर सकता है कि ई डिवीजन अगर तो ऑलरेडी मार्केट सेचुरेटेड है, ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स मौजूद नहीं है मार्केट में, मैक्सिमम जितने लोगों को जितने बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता था कंपनी ने उनको अट्रैक्ट कर लिया। अब द टाइम इज कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आए, कोई यूनिकनेस लेके आए, कोई भी उसके अंदर न्यूनेस कोई न्यू एलिमेंट लेके आए, आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करें, उसकी लेबलिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी जो शेप है उसका टेस्ट है उसका फ्लेवर है उसका फ्रेग्रेंस है उसकी जो शेप है कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी दोज बायर्स जो कि पहले प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे थे अब वो परचेज करना शुरू हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी। या कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट डेवलपमेंट कर सके, अगर तो पेनिट्रेटेड है मार्केट, अब उसमें पोटेंशियल कस्टमर्स हैं नहीं है, तो मार्केट फिर किसी न्यू सेगमेंट को टारगेट कर सकती है, जैसे कि डायपर्स हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए यूजुअली यूज़ किए जाते हैं, तो बच्चों के अलावा जो हॉस्पिटलाइज जो बेड पे पेशेंट्स हैं जो कि मूव करना जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए डायपर्स बनाए जा सकते हैं। इट विल बी अ न्यू सेगमेंट जिसको कंपनी टारगेट कर सकती है, तो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट, आप न्यू सेगमेंट को अपनी प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू कर दें। या फिर कंपनी क्या कर सकती है कि अब चूंकि एक स्टार लाइक प्रोडक्ट है, मेच्योर प्रोडक्ट है ये जो ई डिवीजन है, तो इसके लिए कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकती है, कंपेटिटिवली भी ये स्ट्रॉन्गर है और मार्केट ग्रोथ रेट भी रैपिड है, तो इसका फ़ायदा ये कंपनी उठा सकती है। बीइंग अ स्मार्ट डिवीजन ये क्या करेगी कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेगी, अपने सप्लायर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर कंट्रोल करेगी ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंश्योर किया जा सके। इसी तरह से ये डिवीजन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकती है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है मार्केट का, दैट मींस के डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं और कई लंबे अरसे तक कंपनी उस मार्केट में ऑपरेट कर सकती है, उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर सकती है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए अपनी जड़ें मजबूत करना ये ई डिवीजन के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि अपने जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं उन पे कंट्रोल करें या रॉ मटेरियल अपना खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पे भी जा सकती है कि ये कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है, किसी कंपनी को अक्वायर कर सकती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये किसी छोटी कंपनी को अक्वायर कर सकती है, या इसी तरह के डिफरेंट जो किसी कोई भी कंपेटिटर है उसके साथ ये कोऑपरेटिव बेसिस पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती है ताकि दोनों मिलके ज़्यादा जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, क्योंकि दोनों के कस्टमर्स फिर जॉइंट हो जाएंगे तो दोनों ही कंपनीज को बेनिफिट जा रहा होगा। या ये कंपनी क्या कर सकती है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर सकती है कि अपनी ही प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को ही यूज़ करते हुए, सेम प्लांट को ही यूज़ करते हुए कोई और तरह की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है जो कि रिलेटेड कैटेगरी हो। इसी तरह से क्वाड्रेंट टू की बात करें, अब यहाँ पे डी और एफ हमारे पास दो बिजनेस डिविजन्स इस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं हमारी एग्जांपल में से,
तो इसमें अब देखें आप यहाँ पे वीक कंपेटिटिव पोजीशन है, लेकिन मार्केट का जो ग्रोथ रेट है दैट इज रैपिड। दैट मीन्स कि कंपनी को अपनी कंपेटिटिव पोजीशन पे काम करना पड़ेगा, या फिर वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है, या उसको जो जो है हम कह सकते हैं कि नेगेटिव टाइप की स्ट्रेटजीज में से किसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन केस के अगर वो बहुत ही वीकर पोजीशन है उसकी कंपेटिटिव बेसिस पे। तो क्वाड्रेंट टू के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज मार्केट डेवलपमेंट हो सकती है, मार्केट पेनिट्रेशन हो सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो सकती है, डाइवेस्टिचर और लिक्विडेशन हो सकता है। कि या तो अगर बहुत ही खस्ता हालत है कंपेटिटिव बेसिस पे, अगर कंपनी बिल्कुल लो कैटेगरीज में आ रही है, तो वो अपनी कुछ एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके या सेल ऑफ करके वो क्या करेगी कि अपनी जो हम कह सकते हैं कि वो डाइवर्सिफाई कर सकती है प्रोडक्ट को, या फिर अपनी जो करंट सेगमेंट है जिसको ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उन्हीं में अपनी प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन स्टार्ट कर देगी, या फिर अपने कंपेटिटर्स के साथ जो बिजनेस ऑपरेशंस में डी और एफ डिवीजन वीकर है, जो कि कोई भी इंटरनल रिसोर्स ऐसा है जिसमें जो कि कंपनी की वीकनेस है, तो वो उसको डाइवेस्टिचर या लिक्विडेट करके उसके की बेस पे अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हाथ मिला लेगी, उनके साथ जॉइंट वेंचर या अक्वायर कर लेगी, या फिर किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे उनके साथ मिलके काम करना शुरू कर देगी, या फिर क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कंपेटिटिव पोजीशन कंपनी की वीकर है, तो फिर क्या है कि वो प्रोडक्ट को डेवलप कर सकती है, उसमें कोई इनोवेशन ला के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि ग्रोथ रेट रैपिड है यहाँ पे, तो जो वीकनेसेस हैं कंपनी की उनको कंट्रोल करते हुए कंपनी कैन गो फॉर मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी तरह से क्वाड्रेंट थ्री है, इसके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज का सेट विल बी डिफरेंट। अब मार्केट का ग्रोथ रेट भी स्लो है और कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ डिवीजन भी स्लो है, वीक है, तो इसमें जी जे एच और बी ये डिवीजन्स लाई कर रही हैं। तो कंपनी विल गो फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस और स्ट्रेटजीज। वो रिट्रेंचमेंट कर सकती है कि जो प्रॉफिटेबल डिवीजन नहीं है उसको कट ऑफ कर सकती है, या कोई बिजनेस एक्टिविटी है उसको कट ऑफ करके तो वो हो सकता है कि रिलेटेड डाइवर्सिफाई कर ले या अनरिलेटेड डाइवर्सिफाई कर ले। अगर तो मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है और चांसेस हों कि इसमें इंक्रीज नहीं आएगा कभी भी, तो नियर फ्यूचर में हो सकता है इट विल बी अ डेड इंडस्ट्री, तो बेटर टू गो फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, या फिर कंपनी हो सकता है डाइवेस्टिचर करके या लिक्विडेट करके अपने कुछ एसेट्स को, तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में उनको यूटिलाइज कर, डिपेंड्स कि उसके लिए क्या सूटेबल है। अगर हम रियल लाइफ कंपनी की एग्जांपल्स लें तो इट विल बी मोर इजियर फॉर अस इन ऑर्डर टू नो कि इसके लिए कौन सी प्रोडक्ट के लिए उसकी कंपेटिटिव पोजीशन क्या है, तो उसको को लिक्विडेट करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, या उसको रिलेटेड या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़े, या उसको रिट्रेंच करना पड़ेगा। इसी तरह से क्वाड्रेंट फोर है, इसके लिए अब यहाँ पे देखें कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्गर है लेकिन मार्केट ग्रोथ स्लो है। कंपेटिटिवली तो कंपनी इज इवन नाउ बेटर एज कंपेयर टू दी कंपेटिटर्स, तो कंपनी कैन गो फॉर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और फॉर अ जॉइंट वेंचर, क्योंकि कंपेटिटिवली वो अपने कंपेटिटर से अब भी बेहतर है, अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए कंपनी कैन गो फॉर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और इसी तरह से जॉइंट वेंचर। दैट्स ऑल अबाउट ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स।